अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं खड़ा कीमा। चलें अब बताती हूँ मैं इसके लिए क्या क्या हमें इंग्रीडियंट्स चाहिए। सबसे पहले हमें कीमा, उसके बाद हमें प्याज जो हमें चॉप कर लिए हैं, उसके बाद ये है धनिया और साबुत जीरा जिसको हमने तवे पे हल्का सा ब्राउन करके पीस लिया। हरी मिर्चें आप चाहें अपने हिसाब से जितनी मर्जी डाल सकते हैं, धनिया, अदरक और लहसुन, और ये है गरम मसाला और कुटी हुई मिर्चें, आप चाहें तो गोल साबुत मिर्चें भी डाल सकते हैं, नमक हसब ज़रूरत, हल्दी हसब ज़रूरत और दही। चलें स्टार्ट करते हैं। प्याज को हल्का सा ब्राउन होने तक, हमारे प्याज हल्के हल्के ब्राउन पिंक से हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ज़ीरा और सूखा धनिया डालेंगे जो हमने पीसा था। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, इसे भी अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का भी कलर जो है वो कलर का ब्राउन हो जाए। हमारा अदरक लहसुन भी ब्राउन हो चुका, अब हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। अब हम कीमे को भी 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अपना पानी छोड़ दे, उसके बाद इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। हमारे कीमे ने पानी छोड़ दिया, अब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन हरी मिर्चें, अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे, अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें रेड कुटी हुई मिर्ची शामिल करेंगे, उसके बाद गरम मसाला, अब नमक हसब ज़रूरत, अब हल्दी हसब ज़रूरत, अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया इसका, और अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे लाइट मीडियम आंच पर। जी देखिए हमारा कीमा तैयार हो चुका है, कितना प्यारा इसका कलर आया और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। तो आप सब जरूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।